बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदारी शहमत। चार क्वेश्चंस बच्चे इस वक्त सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। पहला सवाल उनका ये है कि सर ये बताएं कि जो हमारा पेपर होगा वह एमसीक्यूज बेस्ड होगा या फिर थ्योरी बेस्ड होगा, या फिर उस तरीके से होगा कि जिस तरीके से नॉर्मल बोर्ड का पेपर हुआ करता था। सेकेंड ये कि जो हमारा पेपर होगा वो रिड्यूस कोर्स के हिसाब से होगा या फिर टोटल कोर्स के हिसाब से लिया जाएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों का, और वो ये है कि हम किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज में फाइनलाइज कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फोर्थ ये कि हमारे पास जो पेपर्स इस बार होंगे 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड वगैरह के, उनके एग्जैक्टली मंथ्स होंगे कौन से, यानी किन मंथ्स में पेपर हमारे होने जा रहे हैं। आइए बैक टू बैक इन सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं, और आप मुकम्मल जब वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह अपने हिसाब से मैं बेस्ट ट्राई करूँगा कि क्लियर कर सकूँ। पहली बात तो ये कि पेपर्स हमारे होंगे किस पैटर्न पे, तो देखिए इस हवाले से 100% कन्फर्म तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 9 क्लास का जो मॉडल पेपर आया है और उसमें मैट्रिक क्लास के हवाले से जो उन्होंने नोटिस दिए कि मैट्रिक क्लास का वैसे ही पेपर होगा जैसे पिछले साल होता रहा है, तो उसमें इस बात की इंडिकेशन है कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। और साथ में बोर्ड की खामोशी भी इस बात की अकासी कर रही है कि उनका कोई एमसीक्यूज बेस्ड पेपर लेने के हवाले से हतमी इरादा नहीं है, और अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं आई। आने वाले दौर में आ जाए तो कुछ और कोई और बात होगी, बट अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है तो जो स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं, याद रखिएगा उनको रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर एज कम्पेयर टू थ्योरी बेस्ड पेपर में बहुत डिफरेंस होता है, और एमसीक्यूज बेस्ड पेपर ज़्यादा मुश्किल होता है थ्योरी बेस्ड के मुकाबले में। उसमें आपको बहुत सारी एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है बुक की, तो जाके एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। खैर, लेकिन इस बार आपका जो पेपर होने जा रहा है वो उसके चांसेस ये हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होगा, उसके हवाले से बहुत जल्द आपको सारी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। बट अभी आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो थ्योरी बेस्ड के हवाले से, और जो लास्ट आपके 5 ईयर्स आपके पास मौजूद हैं, 10 ईयर्स मौजूद हैं, इसके हिसाब से ही करनी है। तो पहले सवाल का तो ये जवाब हो गया। सेकंड सवाल ये कि सर ये बताएं कि कोर्स जो हमारा होगा, पेपर जो आएगा हमारा, वो रिड्यूस कोर्स में से आएगा या टोटल कोर्स में से आ सकता है। तो एक बात अपनी अच्छी तरह जहन में बैठा लो कि कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी पैटर्न में पेपर आए, किसी भी तरीके से पेपर लिया जाए, पेपर आपका जो रिड्यूस कोर्स का ऑफिशियल रिड्यूस कोर्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, रिड्यूस कोर्स में से ही दिया जाएगा, आउट उसमें से इस बार नहीं दिया जाएगा। तो आप तमाम बच्चे अपनी जो तैयारी करें वो रिड्यूस कोर्स के हिसाब से करें। थर्ड ये कि हम अपनी तैयारी बेहतर किस तरह कर सकते हैं, तो देखिए इस वक्त आपके पास जो महीने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं तैयारी के। उसकी वजह ये कि फोर्थ क्वेश्चन के जवाब में भी हाथ के हाथ दे देता हूँ, इस बार हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके जो मंथ्स होंगे वो होंगे मई और जून। ये याद रखिएगा कि हमारे पेपर्स मई में और जून में लिए जाएंगे, फर्स्ट या सेकेंड वालों के मोस्ट प्रोबेबली जून में, और 9 मैट्रिक वालों के मई में एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। अगर मई जून आपके एग्ज़ाम्स के मंथ्स होते हैं तो इसका मतलब जनवरी को मिला के जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कुल मिला के देखा जाए तो बस 3 महीने बच रहे हैं। आप कहेंगे सर अप्रैल को आपने क्यों काउंट नहीं किया, तो बेटा अप्रैल को इस वजह से काउंट नहीं किया क्योंकि 12th ऑफ अप्रैल से आपके रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, और क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास जो रमज़ान का महीना होता है इस महीने में पढ़ने के हवाले से वो आपकी सिचुएशन नहीं होती जैसी नॉर्मल हालात में होती है। तो रमज़ान के महीने को मेरे ख्याल से आप काउंट ना करें, जो अपनी तैयारी करनी है आपको उससे पहले करनी है। जैसे बहुत से स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे फ्रेश ग्रुप के हवाले से, तो मेरा भी अपना एक फ्रेश ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 8th of January से। अगर आप लोग भी उसका कोई स्टूडेंट पार्ट बनना चाहे, या कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि जो 8 January का जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है उसमें डेमो लेना चाहे, क्योंकि उसमें आपको डेमो भी मौजूद होगा, आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, और फ्री, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फ्री डेमो क्लासेस है, इजी हो के आप अपनी डेमो क्लासेस ले सकते हैं। फिज़िकल प्लस ऑनलाइन दोनों उसमें आपके पास फैसिलिटी मौजूद होगी। अब फिज़िकल क्लास के वाले से अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर आपकी जो क्लासेस हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं, तो याद रखिएगा 3 जगहें ऐसी हैं। पहला तो मेरे गुलशन कैंपस होता है, गुलशन के अलावा गुलिस्तान जौहर, और गुलिस्तान जौहर के बाद
आपके पास नॉर्थ, इन तीन जगहों के स्टूडेंट्स जो जो इन तीन जगहों पे फिजिकल फिजिबिलिटी उनकी बनती है वो फिजिकल क्लास के लिए आ सकते हैं और इसकी कंप्लीट डिटेल आप इस नंबर पे हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। और अगर बिलफर्ज कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो दूर दराज का स्टूडेंट है, वो बार बार नहीं आ सकता, रेगुलर नहीं आ सकता, तो उसके पास बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन क्लास का। और आप यकीन करें कि मुझे पढ़ाने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि फिज़िकल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई ऑनलाइन में हो जाती है बच्चे की, उसमें हफ्ते में बस वो एक दफ़ा आए और ऑनलाइन वे में बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई कर सके। 8 जनवरी को ऑनलाइन कब भी ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जिसमें पूरे कराची, बल्कि जो पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं जो कराची बोर्ड से पेपर देना चाहते हैं, सिंध बोर्ड से पेपर देना चाहते हैं, या पाकिस्तान से बाहर कोई स्टूडेंट है तो वो भी इस ग्रुप का पार्ट बन सकता है। आप उसको भी रेकमेंड कर सकते हैं, आप उसको भी टैग कर सकते हैं। लेकिन जो खुश आइन बात है वो ये कि आप 8 जनवरी की जो ऑनलाइन क्लास है उसका अगर पार्ट डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनना चाहें तो भी बन सकते हैं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें भी आपकी तैयारी कदरें बेहतर हो रही है। ये तो बहरहाल मेरी एक अपनी जो क्लास की प्रमोशन थी वो मैंने आपके साथ की। आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अपने रेफरेंस वगैरह को इसको रेफर कर सकते हैं। बट और वो स्टूडेंट के जो डायरेक्टली देख रहे हैं और वो इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, क्लास नाइन मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तमाम चारों के ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप किसी भी क्लास का पार्ट अगर हैं तो आप ज़रूर इसका पार्ट बने। कम अज़ कम एक हफ्ते ज़रूर क्लास लें तो आप इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे अंदाज में इन 3 महीनों में अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी किसी और कोचिंग का पार्ट हैं, किसी और कॉलेज का पार्ट हैं, किसी और टीचर का पार्ट हैं, तो दिल लगा के मेहनत करें, बेहतरीन अंदाज में अपनी प्रिपरेशन करें और मेरी यूट्यूब चैनल से आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाएं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो कॉमेंट में या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछें, इंशाल्लाह मैं वीडियो के ज़रिए आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।